हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं 21st 22nd करंट अफेयर्स की, यानी कि 21-22 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। यहां से आपको जेन्युइन क्वालिटेटिव करंट अफेयर्स के अलावा बहुत से सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा, जो बनाने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आपकी दोस्त, आपके साथ ऑलवेज बुशरा खान। तो खैर, हम आज के सेशन को विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक सेशन भी मिस करते हैं मेरा बनाया हुआ, तो आप 1 वीक पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बिना ना तो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है आपका, ना ही कोई एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। तो मोस्ट प्रीशियस कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो इसलिए आपको लास्ट तक प्लीज़ ध्यान से सुनना है। जितने सेशन मेरे रोज़ आते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, मैं वैसे तो स्पेशल सेशन तो मैं सैटरडे या संडे इनमें से एक दिन करती हूँ, रोज़ाना करंट अफेयर्स का सेशन रहता है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दें और केयरफुली, यू हैव टू लिसन विद केयरफुली, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब ये सवाल आता है कि भाई अक्षय ऊर्जा बता रही है मैम, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूअल एनर्जी, जिस जो रिन्यू हो सकती है। कौन सी एनर्जी हो सकती है रिन्यू? वाटर विंड और सोलर। सोलर प्लांट, और आपने देखा होगा विंड के बहुत बड़े 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 विंड एनर्जी के लिए प्लांट लगाए जाते हैं, वाटर एनर्जी के लिए बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनते हैं ना, प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्लांट लगाए जाते हैं। इसके आपने सुना होगा इतने करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, जो मैं अक्सर आपको पढ़ाती रहती हूँ। तो यही होती है रिन्यूअल एनर्जी, अक्ष ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। लेकिन नॉन रिन्यूअल एनर्जी कौन सी होती है? नॉन रिन्यूअल एनर्जी होती है पेट्रोलियम गैस, वो सब पेट्रोलियम का ही फॉर्म है, आप जानते हैं। खैर, मैं फिर भी बता दे रही हूँ, पेट्रोल से क्या होता है, ये सब डीजल पेट्रोल सब पेट्रोलियम से ही, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसी से, और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया गैस हो गया, कोल कोयला ले लीजिए, और ये पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है ऐसे हैं कि ख़त्म हो जाती है। ये कैसा एनर्जी है? ये नॉन रिन्यूअल है। ये ऊर्जा जब आप इसका कंजम्पशन कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, हो जाती है ना, ऐसे ही तो होता है। पेट्रोल ख़त्म हो गया, और आपके पास जब कोई चीज़ पहुंचती है तो बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिजर्वेटिव बनाकर और उसका बहुत ज़्यादा उसका प्योरिफिकेशन होके तब पहुंचती है। डायरेक्ट ज़मीन से निकलते ही तो आपके पास नहीं आती है ना, हमारे पास नहीं आती, हम लोग नहीं यूज़ कर लेते। तो ये सब कैसी एनर्जी है? ये नॉन रिन्यूअल है, और नॉन रिन्यूअल का मतलब होता है कि जो समाप्त होनी है, जिसका ख़त्म होना तय है। इतनी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सद्भावना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 20 अगस्त को। क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी, उनकी जयंती होती है 20 अगस्त को, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है 20 अगस्त को, कौन सा? वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया नहीं, इसको ऐसे याद रखिए, सॉरी, विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले सुनिए। विश्व मच्छर दिवस, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये तो हिंदी में था, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और इसमें क्या है कि मलेरिया के कारण, मलेरिया होता क्यों है, इसके सही कारणों का पता लगाने के लिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए,
यानी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, और इसका बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट, वैसे तो इसका ट्रीटमेंट है लेकिन एकदम परफेक्टली अच्छा है कि ना हो, इसीलिए ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। ओके, सुनते रहे आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हो गया, ये कौन थे? ओम नाम्बियार, इनकी डेथ हुई है। तो ओम नाम्बियार का निधन हो गया और ये थे एथलेटिक कोच। कौन? एथलेटिक के कोच थे। पीटी उषा का नाम सुना है? पीटी उषा के भी ये कोच हैं, ठीक है। पीटी उषा के ये कोच थे ओम नाम्बियार, और इनकी अभी इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने या क्वेश्चन का थोड़ा वे चेंज कर देती हूँ। हाँ सुनिए, किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पंचायत बोर्ड में रखा है? तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन को दोनों ने, किस राज्य का यानी किस शहर का और किस राज्य सरकार ने, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो किस शहर का नाम बदलकर किस राज्य सरकार ने हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव रखा है? तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए, हमारा शहर अलीगढ़, ठीक है, इसका नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत बोर्ड में एक प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो याद रखना, तो क्या कौन सा शहर है अलीगढ़ जिसका नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा है पंचायत बोर्ड में, और हरिगढ़ है ना, कौन सा नाम हरिगढ़, किसका अलीगढ़, और कौन सी राज्य सरकार है, ये तो पता ही है आपको, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देखिए मैं सभी फैक्ट्स बताती हूँ, चाहे वो योजनाएँ, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने के लिए क्या है यहाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे अभी उद्यम यानी यूपी में एक अभी उद्यम योजना भी चल रही है, अभी उद्यम, ये तमाम योजनाएं किसकी हैं, यूपी की हैं। यूपी में मंडवाडी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यूपी की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने यहाँ पर एक फायर सेफ्टी सेंटर खोला है पिलखुआ, हापुड़ के पास पड़ता है पिलखुआ गांव में एक सेंटर खोला है, फायर सेफ्टी सेंटर है DRDO ने। और कुमार विश्वास का गांव है ये, कुमार विश्वास को तो सभी जानते होंगे, तो उनका ये गांव है, उसी में यहाँ पर खोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पास किया है? तो किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून बना दिया, ये चीन ने अभी तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं ऐसा कानून भी बना दिया, यानी थ्री चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, थ्री चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब पहले तो क्या था कि दो बच्चे ही होने चाहिए, आबादी बहुत थी, लेकिन अब चाइना को लगा है कि तीन बच्चे ज़रूरी हैं, तो तीन बच्चे अब पैदा कर सकते हैं लोग, और ऐसी मंजूरी दे दी है थ्री चिल्ड्रन पॉलिसी को चाइना ने। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाई स्पीड मैंगलीव एक ट्रेन है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है और बताती रहती हूँ हर सेशन में, अगर इतना हर बार बताऊँगी तो फिर क्या होगा, है ना, तो इसीलिए। अच्छा देखिए, चाइना ने एक नेविगेशन सैटेलाइट बनाई है, कौन सी, वेडो, सिंग्यून 201 202, ये भी बनाए हैं दोनों चाइना ने। साइनोफार्म नाम की एक वैक्सीन और मेडिसिन बनाई है, कौन सी, किसकी बनाई है, तो कोविड 19 की, याद रखना ये बात, ठीक है। और चाइना ने आर्टिफिशियल सन और एक मून सैटेलाइट बनाया है, और एक जो है बहुत से रॉकेट, कौन सा है यहाँ का,
वैसे उसने ये जो चाइना है इसने F-6 नाम का भी एक सेटेलाइट बनाया है। रॉकेट कौन सा है? रॉकेट है यहाँ का लॉन्ग मार्च फाइव। इन्होंने इसके कई वर्जन, एक मतलब लॉन्ग मार्च 5, 4, 3 इस तरह से इन्होंने रॉकेट के कई वर्जन बनाए हैं। ठीक है, तो चाइना का शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है और रेनमिनवी करेंसी है। चाइना के शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? एनडीबी किसका बैंक है? किसका है? ब्रिक्स का। ठीक है, याद रखना। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश में, हाँ सॉरी क्वेश्चन देखिए बदल देते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका, मैंने बनाया कुछ और तरह से था लेकिन चलिए यहाँ चेंज कर देती हूँ। हाल ही में अभी भारत देश में किसने नकली COVID-19 वैक्सीन पर पाबंदी लगाई है? बताइए, नकली वैक्सीन भी बनने लगी है ना, डुप्लीकेट, ये कितनी गलत बात है। लोग तकलीफ़ बीमारी के प्रति चलते, मतलब तकलीफ़ के चलते, बीमारी के चलते, इस महामारी के चलते वैक्सीन ले रहे हैं और लोग COVID-19 की नकली वैक्सीन भी बनने लगी, ये भी मैंने पढ़ना था, आज पढ़ लिया। तो खैर, किसने अभी भारत में, हाँ क्वेश्चन क्या था, किसने अभी नकली वैक्सीन पर, COVID-19 के नकली टीकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो WHO ने लगाया है। कि कहाँ पर? इंडिया में। तो इंडिया में अभी WHO ने, भारत में COVID-19 के नकली टीके बन रहे थे और इनको अभी बैन किया है WHO ने। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रो अधानोम गेबिनियंस ये इसके हेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस राज्य में अभी बुनकरों और कारीगरों के लिए कारखंड योजना का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में अभी, पहले राज्य था ये, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो किस राज्य में अभी, मैंने राज्य आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बताया है, वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर मनोज सिन्हा, अब समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो कारीगरों और बुनकरों के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक कारखंड योजना शुरू की गई है, इसमें इनको 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे जो काम करेंगे लोग, और जो ट्रेनिंग देंगे, जो कच्चा माल खरीदेंगे, जो काम सिखाएंगे, उनके जो प्रशिक्षक होंगे, ट्रेनर्स होंगे, उनको 25,000 रुपये महीना मिलेंगे। ठीक है, मनोज सिन्हा बता दिएगा कौन है, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर। डल झील यानी डल लेक, वूलर लेक यहीं है जम्मू कश्मीर में, और हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है। उसके कौन है? आर के माथुर उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी तो यूटी है ना, दोनों साथ ही में बने थे जम्मू कश्मीर में। दचीगम और डॉक्टर सलीम अली, ये दोनों नेशनल पार्क हैं, और एक और है किश्तवार, तो ये तीन है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, वो कहाँ है? गोवा में। तो आपको ये इतनी बात तो एटलीस्ट याद ही रखनी होगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपूर्व चंद्र को किस मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट हुए हैं एज अ सेक्रेटरी, कौन बने हैं सेक्रेटरी? अपूर्व चंद्र, और ये बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी सेक्रेटरी बने हैं किस में? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। तो ये यहाँ पर अपूर्व चंद्र को बनाया गया है सेक्रेटरी। कौन है हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ये जो जल्दी से बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? करंट पर बहुत नाम बताती रहती हूँ उनका अक्सर। ठीक है, तो अपूर्व चंद्र ये जो है ना, एक IAS ऑफिसर थे और अभी सेक्रेटरी बने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी शाह बने हैं? तो इस्माइल साबरी शाह ये बने हैं, इस्माइल साबरी याद रखिए, शाह वाक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस्माइल साबरी ये बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। कौन बने हैं? इस्माइल साबरी, तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बताया तो मोहिउद्दीन यासीन ने अभी रिज़ाइन कर दिया इसीलिए,
तो इस्माइल साबरी नए प्रधानमंत्री बने हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियन रेंगेट। और प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, क्या नाम है इनका? इस्माइल साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया जाएगा? तो दिल्ली राज्य सरकार लगा रही है भारत का पहला स्मोक टावर। बाबा खड़क सिंह मार्ग है, कहाँ पे है बाबा खड़क सिंह मार्ग? कैनॉट प्लेस में। तो कैनॉट प्लेस में ये लगाया जा रहा है स्मोक टावर, जो 1000 क्यूबिक लीटर एयर को पर सेकंड फ्रेश करेगा। तो भारत का पहला स्मोक जो है, भारत का पहला स्मोक टावर है जो ये करेगा, ठीक है। कहाँ बन रहा है? कैनॉट प्लेस में, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, ठीक, याद रखना होगा आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी यानी नौसेना ने अभी दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में एक अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये एक अभ्यास का आयोजन हुआ है किस देश की सेना और भारत के बीच, नौसेना नेवी? तो इंडियन नेवी और वियतनाम नेवी, इंडियन और वियतनाम दोनों देशों की नेवी का एक जो है एक एक्सरसाइज हुई है इनकी, एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? साउथ चाइना सी में, याद रखना, ठीक है। आई होप सो कि सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये भी है, प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको तमाम कंटेंट के अपडेट रोज़ाना टाइम से मिलते रहें और आप सब कुछ देख पाएँ, कुछ मिस ना हो। और इसीलिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी हिट कर लें और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री का पूरा नाम बता देती हूँ, उनका नाम, पूरा नाम है इस्माइल साबरी याकूब। क्या है? इस्माइल साबरी याकूब। तो इस्माइल साबरी याद रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा इस्माइल साबरी याद रखिए, फिर भी बता दिया है मैंने आपको, इस्माइल साबरी याकूब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शांतिलाल जैन को, SL जैन को किस बैंक का MD & CEO अपॉइंट किया गया है यानी नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक के अभी नए MD & CEO बने हैं कौन? शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है? तो कलाकृति प्रदर्शनी, ठीक है, याद रखना, कलाकृति प्रदर्शनी का विशेष आयोजन किया है अभी कपड़ा मंत्रालय ने। तो इसका आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की अभिनेत्री मिन क्यून, किस देश की अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस मिन क्यून का निधन हो गया? ये कोरिया की एक्ट्रेस थी मिन क्यून, और इनका अभी निधन हो गया, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? मिन क्यून। क्या नाम है? मिन क्यून। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, ये वियतनाम की नेवी की बात की थी हम लोगों ने और इंडिया की दक्षिण चीन सागर में, तो साउथ चाइना सी में जो बात की है, तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? उनका नाम है, क्या नाम है? फाम मिन चिंग। वियतनाम की कैपिटल हनोई और वियतनामी डोंग, ये करेंसी, तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विषय में किस देश के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो या मंजूरी दी है, सॉरी, साझेदारी करने को मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन का जो ये विषय है, इस विषय पर साझेदारी अपना केंद्रीय मंत्रालय कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और ऐसी
इस साझेदारी को मंजूरी मिल गई कि अब ये साझेदारी होगी। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, मैत्री सेतु, इसका उद्घाटन हुआ था हमारे देश भारत और बांग्लादेश के बीच में। और एक्सरसाइज कौन सी हुई अभी थोड़े दिन पहले मेघालय में, 1 साल हो गया वैसे, तो कौन सी होती है, संप्रति, याद रखना। और अभी हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक परियोजना सेवा शुरू की गई भारत और रेल ये बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार अभी क्रिप्टो एडेप्शन में कौन सा देश नंबर 1 यानी टॉप पर है, तो वियतनाम। आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी एक जो है ये जो क्रिप्टो करेंसी पर एक ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, और ये जो डेटा प्लेटफॉर्म है उस यानी डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म डेटा कलेक्शन डेटा बेस्ड कलेक्शन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है चैनलाइसिस। क्या नाम है? चैनलाइसिस, ये कंपनी है, इसने ये ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन इंडेक्स दोबारा सुन लीजिए, ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन इंडेक्स जारी किया है डेटा एनालिसिस कंपनी कहिए या फिर डेटा बेस कलेक्शन कंपनी कहिए, क्या नाम है इसका, चैनलाइसिस, इसने जारी किया है कि क्रिप्टो एडेप्शन में कौन सा देश नंबर 1 पर है, तो वियतनाम। दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है अपना देश भारत। किसका है? अपना देश भारत। आपको बताऊं जो ये दूसरी बार ये जो है इस बार ये ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है दूसरी बार। ये पहली बार जब जारी हुआ था तो क्रिप्टो एडेप्शन के मामले में इंडिया नंबर 11 पे था, और अभी बहुत कर्रा जंप किया अपने देश भारत ने और 11 से सीधे ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो दूसरे नंबर का ये बना है देश अपना देश भारत, और नंबर 1 पर वियतनाम, जिसने क्रिप्टो एडेप्शन को सबसे ज़्यादा अपनाया यानी स्वीकार किया। तो वियतनाम के भी फैक्ट्स बताए थे। और एक और बता दूँगी इसकी बारे में एक बात, अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जहाँ आप मार्केट में अगर क्रिप्टो करेंसी लेकर चले जाएंगे तब भी आपको सामान मिल जाएगा। मतलब क्या है कि वहाँ की ऑफिशियल करेंसी तो चलेगी ही, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी लेके चले जाएंगे तो आप उसे मार्केट में भी चलन में ला सकते हैं। ये दुनिया का पहला देश है, मगर ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी जो ऑफिशियल करेंसी उसे यूज़ कीजिए। तो दोनों ये इसका ऑप्शन है, और ये ऐसा इतनी बड़ी फ्रीडम देने वाला देश बना है दुनिया का अल सल्वाडोर, और पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, आपको पता है, आपको बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है बांग्लादेश ने। वो मैं आपको बार बार बताती हूँ, अभी भी मुझे याद आया कि मैं आपको बताऊँ, जोग, एक तो जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, जिन्होंने ज़ीरो उद्धार का टारगेट फिक्स कर लिया जो श्रावती नदी पर है, ये जोग है जो बांग्लादेश अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, जोग। तो अभी क्वेश्चन लिया था ना कि बांग्लादेश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी को मंजूरी दी है, तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में साझेदारी को मंजूरी दी है, इसलिए बांग्लादेश के सभी फैक्ट्स ज़रूरी वाले मैंने आपको बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि एवं स्मरण दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, आतंकवाद से जो पीड़ित लोग हैं उनके उनका स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि एवं स्मरण देने के लिए दिवस कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे, ये भी मनाया जाता है 21 अगस्त को, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे
कब, 21st of August को, तो ये याद रखिएगा ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 21-22 अगस्त का करंट अफेयर कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको जो अभी 20 और 21 को डेज मनाए गए हैं, सेलिब्रेट किए गए हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। और आप तो सब समझ ही गए होंगे, 4 साल से लगभग पढ़ रहे हैं आप लोग मुझसे, तो मेरे साथ आप लोग 4 ईयर्स से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टेलीविज़न निगरानी एजेंसी बार्क के अभी नई CEO कौन बन गए हैं। हाल ही में अभी नए CEO बने हैं, किसके, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी के। तो नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो नकुल चोपड़ा। बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये टेलीविज़न की निगरानी एजेंसी, यानी टेलीविज़न निगरानी एजेंसी है ना, टेलीविज़न सुपरवाइजिंग एजेंसी है, और इसी के नए CEO बने हैं नकुल चोपड़ा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील एवं खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में अभी 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो आर्सेलर मित्तल जो है ये स्टील और खनन की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, और इसके जो है लक्ष्मी मित्तल इसके CEO मतलब चेयरपर्सन है, CEO कहिए चेयरपर्सन दोनों ही हैं, लक्ष्मी मित्तल और नहीं चेयरपर्सन कहिए, चेयरपर्सन ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उन्हीं की कंपनी है लक्ष्मी मित्तल। और आर्सेलर मित्तल ने अभी 1,00,000 करोड़ के निवेश किए, यानी इन्वेस्ट फंड इन्वेस्ट की बात की है गुजरात में, अभी गुजरात राज्य में होगा, गुजरात का जो भावनगर है वहाँ पर भारत का पहला CNG टर्मिनल लग रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहाँ भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुल रहा है, वर्ल्ड जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है ये गुजरात में, ये वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा कहाँ, गुजरात में। लिथियम, भारत की फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम फैक्ट्री ये कहाँ खुल रही है, गुजरात में, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पर गुजरात में द्वारका में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, किसको, शिवराजपुर बीच को द्वारका गुजरात में है, यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ है, और गिरनार रोकवे का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। अभी 2 योजनाएं चल रही हैं, एक तो पहले तो याद रखिए धनवंतरी रथ चल रहे हैं यहाँ पर, धनवंतरी रथ असम में, धनवंतरी योजना और धनवंतरी रथ गुजरात में, और गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और दूसरी किसान सूर्योदय योजना, ये दोनों कहाँ चल रही हैं, गुजरात में चल रही हैं। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, ये नर्मदा रिवर पर है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक क्लॉइंग के लिए बहुत फेमस है, ग्रेट लेपर्ड है और ब्लैक बग, ये 3 नेशनल पार्क हैं गुजरात में, है ना। और गुजरात की बात करें धोल कंकड़िया नल सरोवर हिजारिया, ये 4 लेक हैं गुजरात में, ये सब आप बिल्कुल याद रखिए। गांधीनगर कैपिटल है यहाँ की, आचार्य देवव्रत गवर्नर है और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर है, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर अभी किस के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो गोल्ड मेडल विनर है नीरज चोपड़ा, इन्हीं के नाम पर रखा जा रहा है अब पुणे स्टेडियम का नाम, पुणे स्टेडियम नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जा रहा है, ठीक है। जो आर्मी स्टूडियो परिसर है वहाँ पर जो स्टेडियम बना हुआ है पुणे स्टेडियम, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा जी के नाम पर रखा जा रहा है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कितनी जैवलिन थ्रोअन है ये, भाला फेंक खिलाड़ी है, और इन्होंने 87.58
सॉरी 87.58 मीटर्स दूर भाला फेंककर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्ड मेडल विनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत ने बड़ी तादाद में, यानी अपने देश भारत ने बड़ी तादाद में AK-10 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए सॉरी किस देश के साथ समझौता किया है। बहुत बड़ी तादाद में एक AK-10 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए समझौता किया है अपने देश भारत ने किस देश के साथ, तो रशिया के साथ, रूस के साथ हुआ ये समझौता। रशिया में भारत के राजदूत कौन है करंटली, तो DV वेंकटेश वर्मा। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी हाँ पता नहीं क्यों अभी पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर में जस्ट बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ। तो मिकाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है रशियन रूबल, और यहाँ पर लेक वेकल और माउंट अल्ब्रस, ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये रशिया में ही है, और रशिया में उरल के पहाड़ भी हैं, उरल के पहाड़। अब मैं ज़रा पानी पीती हूँ, एक सेकेंड के लिए वीडियो होल्ड करती हूँ बस। क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस राज्य में अभी 5 ट्रॉमा एम्बुलेंस को तैनात किया है। चलिए मैंने पी लिया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी ऐसी खास पानी, तो खैर हाँ क्वेश्चन सुनिए आप लोग प्लीज़। तो हाल ही में अभी किस राज्य में अभी हमारे राजनाथ सिंह जी प्रेजेंट, दोबारा पीजिए सॉरी यार दोबारा से सुनिए, वो पानी पीने के चक्कर में थोड़ा सा फोकस डिस्टर्ब हो गया 2 सेकंड के लिए, सॉरी हाँ फोकस मेरा थोड़ा सा, देखिए इधर अब ध्यान से सुनिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य में अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 5 ट्रॉमा एम्बुलेंस को शुरू किया है। तो ये राजनाथ सिंह जी हमारे कौन है, प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, तो उसी के पास तैनात किया है 5 ट्रॉमा एम्बुलेंस को, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया है, और ये एक NGO के द्वारा दी गई है। और जम्मू एंड कश्मीर के भी फैक्ट्स तो मैंने आपको सभी बताए हैं ना, सभी कुछ बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर बिल्डिंग के नए निदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, तो U Raja Babu। देखिए हैदराबाद में स्थित है DRDO का जो रिसर्च सेंटर इमारत है ना, उसी यानी रिसर्च सेंटर बिल्डिंग, उसी के नए डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं, अभी बने हैं, इनका नाम है U Raja Babu। और DRDO के बारे में तो आपको सब बताती हूँ मैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजेशन इसका 1958 है, और जो है DRDO का मोटो क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम तो संस्कृत में है, और इंग्लिश में भी याद रखिए, स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन नॉलेज, दोनों में पूछा जा सकता है। और DRDO के हेड कौन है, तो DRDO के हेड हैं G Satish Reddy, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके, या किस उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश राज्य में, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है या बदल दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे आसान लगेगा आपको, इसलिए ऐसे बनाया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में अभी किस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है, तो सहारनपुर यूनिवर्सिटी का,
सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, महाशाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी, महाशाकंभरी देवी या महाशाकंभरी यूनिवर्सिटी, महाशाकंभरी विश्वविद्यालय, ये सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रखा गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी मतलब ये अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पंचायत बोर्ड में पेश कर दिया, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के सभी फैक्ट्स मैंने बताए हैं। राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का, वैसे पलाश, वृक्ष अशोका राजकीय, पशु बारहसिंघा राजकीय, पक्षी सारस या क्रोच, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़, नवाबगंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सब हैं यहाँ, और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये नेशनल पार्क और ये इस मैंने क्वेश्चन में कवर करवा दिया। और ऊपर के क्वेश्चन, ऊपर के वाला क्वेश्चन जो लिया था अभी, उसमें भी मैंने आपको यूपी के फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाटो ने किस देश के सभी समर्थनों को रद्द कर दिया है, तो सभी समर्थनों को रद्द कर दिया है नाटो ने। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो ने अभी जो है जितने भी समर्थन अफगानिस्तान के मतलब अफगानिस्तान के लिए आ रहे थे, उन सभी समर्थनों को रद्द कर दिया है। आपको पता है तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, यानी इसका जो है कैप्चर कर लिया है तालिबान ने अफगानिस्तान को। और अब तालिबान ने अपने न्यू प्रेसिडेंट यानी नए राष्ट्रपति भी घोषित कर दिए हैं। अब अभी तक तो क्या था वहाँ के कानून के मुताबिक कि उपराष्ट्रपति जो थे वहाँ के, वो जो है मतलब क्या कहेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन अब तालिबान ने अपने नए राष्ट्रपति घोषित कर दिए अफगानिस्तान में। इनका नाम क्या है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, ये तालिबान के प्रमुख हैं और ये अब नए राष्ट्रपति होंगे अफगानिस्तान के। आपको पता है तालिबान का मतलब क्या है, तालिबान कोई मुल्क नहीं है, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो तालिबान ने अब पूरा यहाँ पर ये इस मुल्क पर कब्जा भी कर लिया और इनके राष्ट्रपति भी अपने घोषित कर दिए यहाँ, तो ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, लेकिन प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिले हर सब्जेक्ट का, और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि डेली अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, सुनने के बाद लाइक कमेंट करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, और कंप्लीट सुना करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में ICT की आधारशिला रखी गई है, ICT, तो अभी उड़ीसा में, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ICT की आधारशिला रखी है। ICT का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एनर्जी, नहीं सॉरी टेक्नोलॉजी, माफ़ कीजिए वो गलती से मुंह से बोल दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एनर्जी के बारे में तो आज आपको शुरू में ही पढ़ा दिया है ना, तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी ICT की आधारशिला रखी है नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने, और किस ज़िले में रखी है ये भी बता देती हूँ, खुर्दा ज़िला, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। अब उड़ीसा के सभी फैक्ट्स मैंने आपको बताए, सभी नेशनल पार्क, योजनाएँ, एप्लीकेशन, पोर्टल, फेस्टिवल्स और इम्पॉर्टेंट डे जो उड़ीसा का है, और उड़ीसा की टेम्पल्स, बीच, क्या नहीं बताया मैंने सब कुछ, प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए। आज मुझे पढ़ाते हुए बहुत देर हो गई है क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, तो बहुत देर हो चुकी है, तो काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ मैं, तो इसलिए आप लोग वो रिवाइज़ कर लीजिएगा। उड़ीसा में जो है भी ड्रिंक फ्रॉम डैम योजना शुरू हुई है, और अभी उड़ीसा का जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरी डिस्ट्रिक्ट में 24/7 ड्रिंकिंग फ्रेश एंड प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ये उड़ीसा का पहला शहर है जहाँ 24 घंटे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। और उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन का जो जैसे अभी हमने बताया था आपदा प्रबंधन क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है, और इसी तरह उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन के विषय को
ज़रूरी विषय करार दे दिया है अपने करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी सेंट्रल कैबिनेट ने किस देश के साथ भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है? तो भारत, अपना देश और यूएसए, इनके बीच भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के क्षेत्र में जो सहयोग के लिए एक समझौता किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो भारत और यूएसए के बीच ये भूविज्ञान सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है और उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब मैंने आपको यहाँ के प्रेसिडेंट बताए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज जितनी भी सारी हैं मैंने बताई हैं, और दोनों की बुक्स के नाम बताए हैं, और यूएसए की ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया है। ये हर वीडियो में बताती हूँ मैं आपको, कुछ ही वीडियो है जो बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ा रही होती हूँ, बहुत देर हो जाती है तब कहती हूँ रिवाइज़ कर लीजिए, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आज बहुत देर हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जितना मैंने बताया डिफेंस एक्सरसाइजेस सब सब कुछ सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान भारत के तहत जन आरोग्य योजना चल रही है, इस योजना के तहत कितने करोड़ लोग अस्पतालों में भर्ती होकर लाभ ले चुके हैं? तो 2 करोड़ लोग ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में एडमिट होकर आयुष्मान कार्ड का यानी आयुष्मान जन आरोग्य योजना का कंप्लीट लाभ ले चुके हैं, यानी वो भर्ती होकर अपना इलाज करवा चुके हैं, और आयुष्मान योजना, और फिर इसको क्या किया, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, आयुष्मान तो पूरा ही है, आयुष्मान कार्ड बनते हैं उन्हीं को ही लाभ मिलता है, तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना। और ये कब शुरू हुई, तो आयुष्मान भारत, ये पूरा आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई 2018 में, और फिर इसको कर दिया गया था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक एवं 100 सीएनजी बसें यानी बसेस को पेश करने का निर्णय लिया है? तो असम स्टेट गवर्नमेंट ने, असम राज्य सरकार 100 नई इलेक्ट्रिक बस और 100 यानी 100 यानी 200 तो इलेक्ट्रिक बस, 200 इलेक्ट्रिक बस और 100 सीएनजी बस पेश करने जा रही है रोड पर, अभी ऐसा निर्णय लिया है असम राज्य सरकार ने। असम की हर कुछ बताई है मैंने, सारे फैक्ट्स, योजनाएं, नेशनल पार्क्स, सारा कुछ मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। जगदीश मुखी गवर्नर है और दिसपुर कैपिटल, और गने और जगदीश मुखी के साथ हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर असम के हैं। इसी तरह उड़ीसा के गणेशी लाल गवर्नर थे और चीफ मिनिस्टर का नाम बता दिया था, और भुवनेश्वर कैपिटल, और ये भी बताया कि IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर पहल वहीं चल रही है। ठीक है ना, सारा कुछ बताया, उड़ीसा का रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरह अमेरिका का मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस, इनके बारे में बताया, इनके हस्बैंड के बारे में भी बताया है मैंने आपको, है ना, खैर इनके बारे में याद रखिए, हस्बैंड के बारे में तो बता ही दिया था ऐसी नॉलेज के लिए। और प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडन साहब, और इनकी दोनों की बुक के नाम बताएं, बुक्स के सब कुछ बताया, डिफेंस एक्सरसाइज, ज़रूरी चीज़ें, है ना, तो वो सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे मुझे यकीन है। ओके फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अफगानिस्तान के शरणार्थियों को अस्थायी रूप से यानी टेम्पोररी रूप से पनाह देने की घोषणा किस देश ने की है? तो UAE ने, परमानेंटली नहीं, स्थायी परमानेंट होता है, यह अस्थायी यानी टेम्पोररी रूप से अफगानिस्तान के शरणार्थियों को पनाह दे सकता है, देगा, ऐसी घोषणा की है यूनाइटेड अरब अमीरात ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने, तो परमानेंटली तो नहीं लेकिन टेम्पोरेरी पना देगा, ऐसी घोषणा संयुक्त अरब अमीरात ने की है। खलीफा बिन जैद अल नियार इसके हेड हैं, और यूएई की कैपिटल क्या है, यूएई दिरहम, और करेंसी है यूएई दिरहम, और कैपिटल है अबू धाबी, क्या है कैपिटल, अबू धाबी। ठीक है,
ओके, अफगानिस्तान का एक बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको, जो मैं सोच रही थी बताने का, दिमाग से निकल गई थी बात। बात आई है तो दोबारा बताती हूँ, है ना। अब याद आया मुझे, अफगानिस्तान का नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है इस्लामिस्ट, इस्लामिक एमराइट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमराइट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये कर दिया गया है इसका नाम, IEA, इस्लामिक एमराइट्स अफगानिस्तान, ये इसका नया नाम है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का नाम भी बताया आपको, क्या बताया? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबानियों ने नए राष्ट्रपति बनाए हैं, तालिबान के लोगों ने। आपको ये भी बताया मैंने कि असम तीसरे नंबर का स्टेट है भारत में नेशनल पार्क्स के मामले में, डांसेस के, नेशनल पार्क के सबके नाम। मैंने उस 3 क्वेश्चन का नहीं बताया, असम, उड़ीसा और USA, 3 के फैक्ट्स आपको रिवाइज करने का कहा है, कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन सुन लीजिए, छोटा सा ही न्यूज़ ले लेते हैं, क्वेश्चन बना के लेते हैं उसको। हाल ही में अभी किस देश में फेसबुक ने लघु व्यवसाय ऋण यानी शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन, है ना, शुरू करने की घोषणा की है? तो इंडिया में, अपने देश भारत में फेसबुक लघु व्यवसाय ऋण यानी लोन, ऋण कहते हैं लोन को, शुरू कर रहा है। ठीक है, मार्क जकरबर्ग CEO हैं, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर, 2004 में स्थापना। दोस्तों ये था 21 अगस्त और 22 अगस्त का करंट अफेयर्स। आई होप सो कि बहुत मज़ा आया होगा आपको, कंप्लीट सुने, पूरा बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।